हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लासेस दिस इज सुमन यादव आज हम देखने जा रहे हैं अपने सेक्शन बी के क्वेश्चन अगेन ये वही वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करवाई थी पर मैंने सिर्फ सेक्शन ए सॉल्व कराया था आज हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे कंप्लीटली ठीक है विद एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगी और उससे जुड़े जो भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि होता क्या ना हूबहू क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं पर उसके आजू बाजू के क्वेश्चन आ जाते हैं मतलब उससे जुड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं फिर उन्हें को कहते हैं हम रिपीटेड क्वेश्चन है ठीक है तो जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है उसके लगभग का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगी आपसे उसके अलावा क्या पूछ सकता है उस तरह का वो भी मैं आपको समझा दूंगी ठीक है जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था तो हम कम क्वेश्चन भले ही डिस्कस कर रहे हैं पर इतने अच्छे से कर रहे हैं कि वो चीजें दिमाग में बैठ जाए ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करके करोगे क्या अगर आया ही नहीं तो ठीक है कम ही करें लेकिन सॉलिड करेंगे ओके हाँ एक और बात मुझसे गलती हुई थी कल कल मैंने 2018 का पेपर इसे कह दिया था एक्चुअली ये 2021 का पेपर है मैंने वापस से रीचेक किया दो uh, 2018 के मैं सॉल्व करने वाली थी पर गलती से ये ओपन हो गया था तो मैंने इसी को करवा दिया और मुझे लगा ये 2018 का ही है सो आई एम सॉरी फॉर दैट ये दो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कंपार्टमेंट एग्जाम्स का ठीक है चलो तो क्वेश्चन uh, नंबर से स्टार्ट करें 16 तक हम कल कर चुके थे सेक्शन नंबर बी स्टार्ट करें ये दो मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपके तो एटलीस्ट आपको दो दो पॉइंट लिखना होगा हर एक क्वेश्चन में दो नंबर मतलब एटलीस्ट दो पॉइंट आपको लिखना है एक नंबर मतलब एक पॉइंट से भी आपका काम चल जाता है तो ऐसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि कौन से क्वेश्चन है किस तरह से आपको लिखना होता है चलो तो देखो यहाँ पे यहाँ पे सेवनटींथ में दो क्वेश्चन पूछ रखे एक लाइन हम पहले क्वेश्चन लिख देंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा दूसरे क्वेश्चन में एक लाइन लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा तो दो नंबर का क्वेश्चन है एक एक लाइन का आंसर हम दे देंगे एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वेश्चन क्या कह रहा है favorable condition कहने का मतलब इतना सा है कि अगर कोई सीड है ठीक है तो उसमें क्या ऐसे बदलाव कर दें ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो सरवाइव कर जाए कब तक जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए जब तक उसके पसंद का समय ना आ जाए तब तक उसे जिंदा रखना है किसी भी तरह जिंदा रखने को ही हम वायबल कहते हैं क्या कहते हैं वायबल वायबल कहते हैं मतलब जिंदा रखना ठीक है तो वो वायबल तो रहे लेकिन वो क्या रहे अनफेवरेबल uh, कंडीशन में भी वायबल रहे तो कुछ ना कुछ उसमें बदलाव करना पड़ेगा कुछ कवरिंग देनी पड़ेगी उसको कि छिप करके आराम से रह सके जैसे मान लो बाहर बहुत बारिश हो रही है प्रेजेंटली मेरे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है तो बाहर बहुत बारिश हो रही है तो आप क्या हो अपने घर में बैठे हुए हो ताकि बारिश में भीग के आपकी तबीयत खराब ना हो अगर बहुत ज्यादा भीग गए तो तो ऐसे ही सीड्स uh, को अगर हमें वायबल रखना है अनफेवरेबल कंडीशन में तो कुछ उसे स्टेप्स अपनाने पड़ते हैं ताकि वो क्या रहे वायबल रहे अनफेवरेबल कंडीशन में भी ठीक है कब तक वायबल रहे जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए फेवरेबल आ जाएगा तो उसे क्या कर देंगे हम जमीन में प्लांट कर देंगे उससे एक नया पौधा बन जाएगा तो कौन से ऐसे टू स्टेप्स हैं नंबर वन स्टेप होता है आपका डोरमेंसी सॉरी डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन इस बात को ऐसे समझो जैसे मान लो मम्मी लोग अचार डालती है ना अचार डालती है तो उसको धूप में सुखाती है कोई भी चीज को अगर स्टोर करना होता है तो हम उसे धूप में सुखाते हैं क्यों क्योंकि पानी की वजह से ना बेटा पानी अगर जहां पे लग जाता है अचार वगैरह में पानी लग गया तो अचार खराब हो जाता है क्यों जहाँ पे पानी प्रेजेंट है वहां बैक्टीरिया वगैरह के ग्रो होने के ज्यादा चांसेस होते हैं इसलिए डिहाइड्रेशन करवाया जाता है अगर किसी भी चीज को आपको स्टोर करना है तो डिहाइड्रेट करके स्टोर करोगे अदरवाइज स्टोर करना पॉसिबल नहीं है पानी पानी वाला स्टोर आप नहीं कर सकते ठीक है जब भी किसी चीज को स्टोर करना है तो डिहाइड्रेट करके स्टोर करोगे ओके okay. तो पहला स्टेप तो हो गया डिहाइड्रेशन दूसरा स्टेप क्या होगा दूसरा स्टेप होगा बेटा दौर्मेंसी. दौर्मेंसी. अब दौर्मेंसी क्या है मैम बताती आपको क्या होती है मैं दूसरा एक खाली पेज ले लेती हूँ फिर बताती हूँ देखो यहाँ पे जस्ट मिनट लो कलरफुल पेन लेते हैं सुंदर सा देखो डोरमेंसी डोरमेंसी अरे कुछ ज्यादा ही मोटा लिख रहा है जस्ट मिनट उसको रिड्यूस कैसे करूं <laughs> चलो मुझे फिलहाल रिड्यूस करना नहीं आता क्योंकि ये नया मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रही हूँ कोई बात नहीं हम्म लूंगी ठीक है देखो डोरमेंसी डोरमेंसी क्या है डोरमेंसी एक स्टेज होती है ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट स्टेज ऑफ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट सस्पेंडेड डेवलपमेंट मतलब जब ग्रोथ रुकी हुई हो इस टाइम पे क्या होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी पॉज हो जाती है ठीक है इस समय पे क्या होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉलिक एक्टिविटी इज पॉज पॉज मतलब रुकी हुई होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी अब मैम मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है सारी रिएक्शंस जो आपके बॉडी के अंदर चल रही हैं उन सभी भी रिएक्शंस को मिला के मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं तो ऐसे पेड़ पौधों के अंदर भी बहुत सारी रिएक्शंस चलती होंगी जिसकी वजह से उनकी लाइफ सस्टेन होती है तो उन रिएक्शंस को मिला के मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं तो अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाए वो अपनी सारी एक्टिविटीज रोक दे और वो क्या हो जाए सस्पेंड हो जाए अपने आप को एकदम इनएक्टिव करके रखे तो उस स्टेज को कहते हैं डॉर्मेंसी जैसे आपको मालूम होगा हाइबरनेशन जैसे फ्रॉग वगैरह क्या होते हैं जो मेंढक होता है वो बरसात के समय में ज्यादा दिखने को मिलते हैं बाकी समय नहीं दिखते क्यों क्यों कि जब वो बहुत ठंडी आती है या बहुत गर्मी आती है तो वो अपने आप को छुपा लेते हैं और सो जाते हैं छह महीने तक तो कुंकरण की तरह सो जाते हैं तो वो क्या है वो उनका हाइबरनेशन है सेम टू सेम इसी आप क्या कह सकते हो सीड का हाइबरनेशन कह सकते हो कि जब सीड इनएक्टिव है सोया हुआ है अपनी इनएक्टिव वाली स्टेज में है उसी को हम डोरमेंसी कहते हैं ठीक है आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस से देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट हमने लिख लिया पहला पहला चीज इसने दो चीजें पूछा था जिसकी वजह से प्लांट अपने आप को सीड जो है वो अपने आप को वाइबल रखेगा अनफेवरेबल कंडीशन में भी तो पहला होगा डिहाइड्रेशन पानी लूज कर देना दूसरा डॉमेंसी आप इसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो आपकी इच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे ये पूछ रहा है द ओल्डेस्ट सीड द ओल्डेस्ट सीड विच इज वायबल कौन सा सबसे पुराना बीज है वो है Leopinus, Leopinus arcticus. Leopinus arcticus. ये दस हजार साल पुराना है प्लीज रिमेम्बर ये दस हजार साल तक पुराना है फिर भी ये क्या था वायुबल था यानी जिंदा था दस हजार पुराना सीड भी सोचो वायुबल है जिंदा है अगर उसको आज दस हजार साल बाद प्लांट कर दो तब भी वो पौधा बन जाएगा तो ये सबसे पुराना वायबल सीड है ओल्डेस्ट वायबल सीड है जो आर्कटिक टुंड्रा में मिला था और उस सीड का नाम था आर्कटिकस और ये क्योंकि ये क्योंकि साइंटिफिक नाम है तो इसको आप अंडरलाइन करना मत भूलना इसको आप अंडरलाइन करना मत भूलना ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर देना पहला लेटर कैपिटल लेटर और जो स्पीशीज का पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है ये साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका होता है मैंने कल भी आपको बताया था अब हम देख लेते हैं भाई ये तो बड़ी आसान सी बात है। आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हो। अगर आपको वाली बातें याद नहीं है तब भी आप लिख सकते हो कि पॉपुलेशन आखिर बढ़ क्यों रही है ठीक है पॉपुलेशन बढ़ने का रीजन हो सकता है कि लोग एजुकेटेड प्रॉपरली नहीं है वो ऐसा सोचते हैं कि कई लोग लड़के की चाहत में पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं रिलीजियस बिलीव होते हैं सोचते हैं कि लड़का नहीं होगा तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा इस चाहत में वो लोग पॉपुलेशन बढ़ाते हैं या कई लोग ऐसे होते हैं कि लड़का नहीं होगा तो कमा के नहीं देगा इस चाहत में पॉपुलेशन बढ़ाते हैं या कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा कमाई होगी इस चाहत में पॉपुलेशन बढ़ाते हैं कई सारे रीजन हो सकते हैं पॉपुलेशन के पर हम यहाँ दो रीजन मैं आपको बता के दे रही हूँ जो थोड़ा सा अलग मैं आपको बताऊंगी पहला ये कि इंक्रीज इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी फैसिलिटी एंड इनह इन्हेंसड लाइफ स्टाइल देखो बेटा आज हम जितने साफ सफाई के साथ रहते हैं आज हम जितने अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं उतना पहले लोग नहीं रखते थे उन लोगों को कोई इन्फेक्शन हो जाता था अक्सर बहुत सारे लोग मर जाते कोई बीमारी हुई तो उसकी कोई दवाई नहीं थी मर जाते थे लोग आज भी जैसे कोरोना वगैरह चीजें थी उसकी दवाई नहीं थी लेकिन अंततः हमने निजात कर ली दवाई अदरवाइज पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती है ना लेकिन क्या हुआ पहले जो होता था पहले कोई बीमारी होती थी तो उसके इतनी आसानी से दवा नहीं बन पाती थी जिसकी वजह से बहुत अमाउंट में पीपल मरते जाते थे लोग मरते जाते थे आप जानते होंगे आपकी मम्मी वगैरह बताएंगे कि हैजा फैलता था पहले जिस तरफ हवा बहती थी उस तरफ के लोग खत्म हो जाते थे ऐसी बातें आपने सुनी होगी तो वो झूठ बातें नहीं है वो बिल्कुल सही बातें हैं क्योंकि कोई इलाज नहीं था और लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी आज कोई बीमार होता है तो उसको क्या करते हैं प्रॉपरली मेडिसिन दे दी जाती है या कम से कम हाइजीन का ध्यान रखते हैं लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं मक्खी नहीं बैठने देते हैं घाव वगैरह पे पर पहले लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी ठीक है तो उस टाइम क्या होते थे पॉपुलेशन मरते रहते थे लोग मरते रहते थे लेकिन अब क्योंकि ये सारी चीजें इंक्रीज हो गई हैं मेडिकल फैसिलिटीज और अवेयरनेस हो गई है लोगों में लाइफ स्टाइल अच्छी हो गई है इस वजह से पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है क्योंकि डेथ कम हो रही है ठीक है दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड मैं बताती हूँ आपको इंक्रीज मेट्रिकल फैसिलिटीज रिलेटेड आई एम आर आई एम आर रिड्यूस्ड, एम एम आर आर ठीक है मुझे एक मिनट दो बेटा मैं आपका जो दूसरा वाला बोर्ड है ना उसका पेन साइज रिड्यूस कर लूँ ताकि बार बार मैं आपको वहां बता सकू ठीक है? चलो ठीक है मैं सीख गई वापस से आते हैं आई एम आर और एमएमआर ये सबका फुल फॉर्म बता देती हूँ ये रिड्यूस हो गया है इस वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ी है दो रीजन देख रहे हैं जिस वजह से पॉपुलेशन बढ़ी है तो चलो दूसरा रीजन देख लेते हैं आई एम आर ओके आई एम आर क्या है इनफैंट मोर्टिलिटी रेट इनफैंट मोर्टिलिटी रेट और एमएमआर का मतलब क्या होता है एमएमआर का मतलब होता है आपका एम एम आर एमएमआर का मतलब होता है मैटर्नल मॉर्टिलिटी मॉर्टिलिटी रेट मैटर्नल मॉर्टिलिटी रेट ये तीन होते हैं आपके सॉरी दो होते हैं आईएमआर और एमएमआर इससे क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ इससे होगा क्या इससे जस्ट मिनट वापस से वो साइज आ गया यस yes. इससे क्या होगा इससे मतलब कि इन्फेंट यानी जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके मरने के चांसेस कम हो गए हैं क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है मदर के मरने के चांसेस कम हो गए हैं क्योंकि मद uh, आजकल क्या होता है बर्थ के समय मदर की या इन्फेंट की मौत बहुत कम होती है क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो गई है तो इस वजह से ये क्या हो गई है रिड्यूज हो गई है रिड्यूज़ होने की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी पॉपुलेशन क्या होगी इंक्रीज होगी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी राइट सो अल्टीमेटली पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी ये दो रीज़न हो गई आपके पॉपुलेशन इंक्रीज करने के पहली इंक्रीज यू नो गुड लाइफ स्टाइल एंड इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज दूसरी रिड्यूस्ड आई एम आर एंड एम एम आर और भी चीजें आप लिख सकते हो अपने आप से बना के आप बहुत कुछ लिख सकते हो कि पॉपुलेशन बढ़ने का क्या रीज़न है तो हमारा एटीन क्वेश्चन में सॉल्व हो गया अब हम जा रहे हैं नाइनटीन क्वेश्चन सोल्व करने ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी याद करो मैंने सेंट्रल डॉगमा एक लेक्चर ही पूरा पढ़ाया था उसमें सेंट्रल में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ाया था मेरे जेनेटिक्स के लास्ट वाले चैप्टर में यानी सिक्स चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था ठीक है तो उसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये दो नंबर का क्वेश्चन है तो शॉर्ट में देखेंगे पूरा डिटेल नहीं देखेंगे अगर पांच नंबर का क्वेश्चन होता तो पूरी डिटेल में बताती अगर आपको डिटेल जानना है तो आप जेनेटिक डिसऑर्डर सॉरी मोलिकुलर जेनेटिक्स वाली वीडियोस देखो मेरी जिसमें मैंने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बता रखा है ठीक है उस वीडियो में आपको मिल जाएगा डिटेल का तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सेंट्रल डॉगमा को कैसे आप लिखोगे शॉर्ट में मैं वो भी आपको बता देती हूँ देखो इसे पूरा मिटा ले जस्ट प्लीज़ चलो देखो हम क्या करने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं आपके सेंट्रल डॉगमा को सेंट्रल डॉगमा सेंट्रल डॉगमा जो होता है ना वो अगर मैं बताऊं जो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था सेंट्रल डॉगमा का मतलब होता है सिंपल सा कि डीएनए से क्या बनना डीएनए से बनना आरएनए डीएनए से बनना आरएनए और आरएनए से क्या बनना प्रोटीन इसी को हम कहते हैं सेंट्रल ड्रॉग्मा पर इसमें कुछ आ, आपके इस प्रोसेस को कुछ नाम देते होंगे तो इस प्रोसेस का नाम मैं आपको बता देती हूँ डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन यही आपका सेंट्रल डॉगमा है बेटा क्योंकि दो नंबर का क्वेश्चन है तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को डिफाइन भी कर देते हैं शॉर्ट में ठीक है लिख करके उसे डिफाइन कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है चलो उसको डिफाइन करते हैं ठीक है द प्रोसेस प्रोसेस जस्ट जिसमेट द प्रोसेस बाय विच डीएनए सॉरी आरएनए इसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और इसके लिए एक एंजाइम इस्तेमाल होता है उस एंजाइम का भी नाम आप लिख सकते हो वो है आपका आर एन ए पॉलिमरिज आर एन ए आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि डीएनए का रेप्लिकेशन कराने में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है लिख के बताना मुझे ठीक है ट्रांसक्रिप्शन में तो आर एन एज यूज होता है वहां पे भी एक तरह का पॉलीमरेज पॉलीमरेज यूज होता है पर कौन सा आपको कमेंट में लिख के बताना है पॉलीमरेज ओके पॉलीमरेज पॉलीमरेज यूज होता है ट्रांसक्रिप्शन में नेक्स्ट बात करूं अगर ट्रांसलेशन की तो ये भी इजी सी बात है ट्रांसलेशन क्या होता है चलो देख लेते हैं ट्रांसलेशन 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 क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ द प्रोसेस बाय विच प्रोटीन इज फॉर्म्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम आरएनए आरएनए और ये कौन सा आरएनए बना है एम आर एन ए बेटा ये भी याद रखना जनरली एम आर एन ए ठीक है एम आर एन ए का फुल फॉर्म होता है मैसेजर आर एन ए इतना पूरा लिख दोगे तो आराम से आपको दो नंबर मिलने ही मिलने हैं ये सेंट्रल डॉगमा है ठीक है आप इतना भी लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा पर सेफ्टी के लिए मैंने ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में लिखवा दिया, तो दिया था ये बात आप याद रखना सेंट्रल डॉगमा ठीक है और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने मिल करके और ये सेंट्रल डॉगमा सिर्फ क्रिक ने दिया था या कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा कि फ्रांसिस क्रिक एंड आपका जो वो है वाल्टर uh, सॉरी फ्रांसिस क्रिक दोनों ने मिलकर दिया था आप कह सकते हो ठीक है वॉटसन एंड क्रिक जब फ्रांसिस बोलती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ वॉटसन क्रिक नाम से याद रहता है तो वॉटसन और क्रिक ने मिलकर भी दिया कह सकते हो लेकिन मेनली उसमें रोल था आपके फ्रांसिस क्रिक का नेक्स्ट नेक्स्ट आपको ये दिख रहा है एक्सप्लेन कॉमेंसलिज्म तो बेटा हम मैंने कॉमेंसलिज्म आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है कि कॉमेंसलिज्म क्या होता है आप जरा मुझे बताना कितने लोग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मेरा बिना बताए ठीक है पर फिलहाल मैं बता देती हूँ एक मिनट टाइम लेके आप ये सोचना कि कितने लोग आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्या मेरे बिना बताए से ठीक है देखो मतलब होता है कि वन ऑर्गेनिज्म इन दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन ऐसे बना के लिख सकते हो इन दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन वन बेनिफिटेड And no effect, no effect on other organism. एक ऑर्गेनिज्म का तो बेनिफिट होता है दूसरे पे क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं आपको इसको वापस से अच्छे से लिख के दिखा देती हूँ देखो जस्ट अट ठीक है मैं आपको वापस से इसे अच्छे से लिख के दिखा देती हूँ जो आपका कमेंसलिज्म है

मैं आपको दो एग्जाम्पल याद करा दे रही हूँ हालांकि पूछा एक ही गया है पर मैं आपको दो एग्जाम्पल याद करा दे रही हूँ याद करो कैटल और इगरेट बर्ड कैटल एंड इगरेट बर्ड इगरेट बर्ड या फिर कहूँ वेल एंड बारनेकल वेल एंड बारनेकल कैटल जब गाय वगैरह चलती है तो घास में कुछ कीड़े मकौड़े छुपे होते हैं तो चलने की वजह से वो कीड़े मकौड़े क्या होते हैं उड़ने लगते हैं जब वो उड़ने लगते हैं जस्ट अ मिनट मेरा अलार्म बज तो जब वो उड़ने लगते हैं तो उड़ने से क्या होता है ये जो इग्रेट बर्ड होती है है ना जल्दी से कीड़ों मकड़ों को खा लेती है। तो इग्रेट बर्ड का तो फायदा हो गया लेकिन कैटल को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कैटल तो अपना मस्ती में चल रही थी सेम टू तो सेम अगर मैं वेल की बात करूं एज ए सपोज करो ये क्या है वेल है वेल के किनारे किनारे क्या होता है ना ऐसे बारनेकल्स होते हैं इसके आसपास तो वेल जब कुछ खाना खाती है क्योंकि वो इतनी बड़ी है तो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स उससे छूट जाते हैं उसी चीज को कौन खा लेते हैं बारनेकल तो बारनेकल का फायदा हो गया वेल का कुछ नहीं हुआ तो अगर मैं कहूं आपका फायदा किसका हुआ है और नुकसान किसका हुआ इसमें सॉरी फायदा किसका हुआ और किसको कुछ नहीं हुआ इनका क्या हुआ जीरो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा लेकिन इग्रेट बर्ड और बारनेकल की अगर मैं बात बताऊं तो उनका क्या हो गया फायदा हो गया वो प्लस में आ गए ठीक है तो इतनी बातें होती हैं आपकी कमेंसलिज्म में आई होप आपको समझ में आया होगा इतना आप लिखते हो दो नंबर में एनअ है मोर देन एनअ है तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बीसवा क्वेश्चन ठीक है आते हैं इक्कीसवें क्वेश्चन पे राइट टू क्लोजली लिंक्ड जीन दैट कंट्रोल्स अल्फा थैलेसीमिया बेटा ये मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है अल्फा थैलेसीमिया साथ साथ में आपको बीटा थैलेसीमिया भी बता देती हूँ थैलेसीमिया की पूरी ही चीज बता देते हैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं दूसरा भी देखो क्या लिखा है कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में क्या डिफरेंस है ठीक है तो हम दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं ओके okay, डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा थैलेसीमिया देखो देखो जस्ट अ मिनट एक मिनट प्लीज ठीक है देखो बात करूं अगर थैलासीमिया की किसकी बात करूं थैलासेमिया की बात करू थैलासीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल एनीमिया ये दोनों किसके डिसऑर्डर है आपके हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिसऑर्डर है ये भी किसका डिसऑर्डर है हीमोग्लोबिन का और सिकल सेल एनीमिया भी क्या है हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिसऑर्डर है हीमोग्लोबिन जानते हो ना आपके रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है उसे आप कहते हो हिमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो वो डिफेक्ट दो तरह का हो सकता है या तो थनासीमिया होगा या तो सिकल सेल एनीमिया होगा थैलासीमिया में क्या होता है बेटा एक बात जानो जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ना हीमोग्लोबिन के पास चार चेन होती हैं हीमोग्लोबिन हैव फोर चेन्स कितनी चेन होती हैं इसके पास चार चेन होती हैं ठीक है ठेकर? चार चेन होती हैं हीमोग्लोबिन हैव फोर चेन चार चेन होती हैं भाई कौन-कौन से चेन होती है दो अल्फा चेन होती हैं और क्या होती हैं दो आपकी बीटा चेन होती हैं ठीक है अल्फा चेन को कोड करने के लिए आपके दो जीन होते हैं ठीक है अल्फा चेन को कोड करने के लिए कितने जीन होते हैं दो जीन दोनों जीन का नाम लिख देते हैं एच बी ए वन एंड एच बी ए टू ये दोनों जीन है जो किसको कोड करते हैं अल्फा चेन को बीटा वाले को कोड करने वाला सिर्फ एक ही जीन होता है एच बी बी ठीक है एच बी बी ये दो ही जीन होता है एक ही जीन होता है जो आपके बीटा चेन को कोड करता है तो आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है बेटा कि बताओ बीटा थैलेसीमिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अल्फा थैलेसीमिया ऐसा क्यों तो समझो जरा देखो अल्फा थैलासीमिया के हमारे पास कितने जीन है दो, अल्फा जो चेन है उसके हमारे पास कितने जीन है दो जीन है ठीक है दो जीन है हमारे पास तो दोनों दो में से एक खराब हुआ तो एक काम कर लेगा यानी कि अल्फा चेन ना बने इसके चांसेस कम है क्योंकि एक जीन खराब हो गया तो दूसरा जीन काम कर लेगा ठीक है लेकिन बीटा चेन का एक ही जीन है एक भी खराब हुआ तो काम नहीं हो पाएगा हमारा तो अगर बीटा चेन का खराब होने का चांस अगर हम देखें तो वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अल्फा चेन के खराब होने के ठीक है थैलासीमिया में यही होता है थैलासीमिया दो तरह की होती है अल्फा थैलासीमिया सेमिया व्हेन देर इज डिफेक्ट इन जीन ऑफ एच ए वन और एच एच बी ए टू ठीक है एच बी ए टू ठीक है तो ऐसा कुछ हुआ तो अल्फा थैलासेमिया होगा बीटा कब कब होगा होगा बीटा तब होगा uh, मैंने बीटा लिखना भूल गई बीटा थैलासीमिया कब होगा जब आपके बीटा चेन में uh, कोई दिक्कत आ रही है यानी कि बीटा चेन वाले जीन में कोई दिक्कत आती है वेन देर इज दिफेक्ट इन जीन एच बी बी एच में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको बीटा हो गया अब आगे पढ़ते जरा। देखो, क्या लिखा है कौन कंट्रोल करता है एच बी ए वन एच बी ए टू तो ये आपका हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर एच बी ए वन और क्या हो गया एच बी ए टू किसका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का और थेलेमिया दो तरह की हो सकती है अल्फा और बीटा लेकिन जो आपका सिकल सेल सेलेमिया होता है ना बेटा वो सिर्फ एक ही तरह का होता है और वो सिर्फ बीटा चेन में होता है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन ग्लोबिन में होता है ये अल्फा में कभी नहीं होगा छेड़छाड़ तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया थैलासीमिया एंड uh, सिकल सेल सेलेनिमिया में दैट थैलासीमिया कैन बी डिफेक्ट इन अल्फा चेन और इन बीटा चेन लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया होगा वो ओनली ड्यू टू डिफेक्ट इन बीटा चेन ठीक है ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया दोनों में मैं इसको पूरा पूरा मिटा देती हूँ फिर मैं आपको दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताती हूँ ठीक है जस्ट अ मिनट मैंने पूरा ही मिटा दिया इससे अच्छा मैं दूसरा ही पेज ले लेती है कोई बात नहीं वापस से लिख लेंगे हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं ठीक है डिफरेंस देखने जा रहे हैं देखो पहला है आपका थैलासीमिया थैला सेमिया दूसरा होता है आपका सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल एनीमिया आपको इतना मालूम हो गया हीमोग्लोबिन की कितनी चेन है चार चेन होती है इट कैन बी कैन बी अल्फा और बीटा ठीक है अल्फा और बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, चेन ऑफ हीमोग्लोबिन आप इसका अगर लिखोगे पहला पॉइंट सिकल सेलेमिया का तो लिखोगे इट अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन ओनली बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन अब आप एक बात पूछ सकते हो कि मैम जब इसमें अल्फा बीटा में हो रहा है इसमें सिर्फ बीटा में हो रहा है तो सिकल सेलेनिया को बीटा थैलेमिया क्यों नहीं कह देते बेटा एक्जैक्टली सेम नहीं है ये समझते हैं जरा थैलासीमिया में क्या होता है हीमोग्लोबिन के चेन की नंबर में कमी आती है यानी ये क्या है क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर डिसऑर्डर क्वांटिटेटिव का मतलब होता है रिड्यूस्ड नंबर ऑफ नंबर ऑफ चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के चेन के नंबर में क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी वो होता है आपका क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी में कमी आ जाना नंबर में कमी आ जाना वो होगा आपका थैलेसीमिया अगर मैं सिकल एनीमिया की बात करूं तो सिकल एनीमिया क्या होता है क्वालिटेटिव डिसऑर्डर क्वालिटेटिव डिसऑर्डर क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी खराब है प्रोडक्शन तो अच्छा खासा हो रहा लेकिन है लेकिन क्वालिटी ही खराब है यानी कि ये क्या होगा डिफेक्टेड डिफेक्टेड बीटा चेन इज फॉर्मड ये दो पॉइंट आप लिखोगे एनफ है ठीक है थैलासेमिया के लिए आपके जो होते हैं वो आपके जीन अलग अलग है और आपके जो सिकल सेल हो गए उसके लिए जीन कुछ अलग होगा दोनों का सेम सेम नहीं है सिकल सेल सेलनमिया में जो आपके आरबीसी बनते हैं ना वो सिकल शेप बनते हैं कैसे बनते हैं हंसीए है जैसा बनते हैं सिकल शेप बनते हैं लेकिन थैलासेमिया में ऐसा कुछ नहीं है थैलासेमिया में बस नंबर की कमी है जितना होना चाहिए था उतने नहीं है बस बाकी बन अच्छे खासे रहे हैं लेकिन नंबर की कमी है और आपके सिकल सेल सेलमिया में बन तो अच्छे खासे रहे हैं मतलब सॉरी बनने का नंबर सही है लेकिन शेप नहीं सही है उनका जो टाइप है वो नहीं सही है जैसे मान लो अगर मैं ये बॉटल की बात करूं ये बॉटल कॉपर का है ठीक है कॉपर बॉटल है मेरे पास क्योंकि मैम ये बॉटल बार बार दिखाती है मेरे पास एक ही है तो कॉपर बॉटल है ये आपके पास तो कॉपर बॉटल आपके संख्या में कम बने आपकी कंपनी में तो आप कहोगे क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है ठीक है आपकी कंपनी में क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है लेकिन अगर मैं बताऊं ये बॉटल बन तो रहे अच्छे नंबर पे बन मतलब ऐसे टेढ़ा बन रहा है किसी का ढक्कन ही नहीं बन रहा मतलब कुछ दिक्कत आ रही है उसके बनने में ठीक है तो वो क्या होगा आपका क्वालिटेटिव डिसऑर्डर क्वालिटी में कमी है नंबर में कमी नहीं है ये फर्क होता है आपके सिकल सिकलसेलेनिया एंड थैलासीमिया में ये दो पॉइंट आप लिख के आओगे किसमें इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंशिएट बिटवीन थैलासीमिया एंड सिकल सेल कि ग्लोबिन चेन में क्या होता है हीमोग्लोबिन के ठीक है तो आपका ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया ट्वेंटी फर्स्ट भी सॉल्व हो गया ट्वेंटी सेकेंड देखते हैं आप एक्सप्लेन द मैकेजम ऑफ पॉलिनेशन इन सी ग्रासेस लाइक जॉस्टेरा देखते हैं जरा देखो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इन मैरिन सी ग्रासेस लाइक जॉस्टेरा जोस्टरा क्या होता है सी ग्रासेस होता है ठीक है तो देखो मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन कैसे होगा सी ग्रासेस है यानी पानी के अंदर है तो इसमें कैसा पॉलिनेशन हो रहा है वाटर पॉलिनेशन कैसा पॉलिनेशन होगा बताना वाटर पॉलिनेशन ठीक है वाटर पॉलिनेशन होगा कैसे होता है इसमें मैं आपको प्रोसेस बता रही हूं आप नोट डाउन कर लेना सुनो क्या होता है फीमेल फ्लावर पानी के अंदर होती है और मेल फ्लावर भी क्या होता है पानी के अंदर होता है मेल फ्लावर अपने पॉलिंग्रीन पानी के अंदर ही रिलीज कर देता है और पानी के साथ बहते हुए वो पॉलिंग्रीन कहा पहुंचते हैं फीमेल फ्लावर तक यही मैकेनिज्म है आपके जॉस्टेरा में आपकेशन का अच्छा आप कहोगे मैम पोलग्रीन ऐसे जा रहे हैं तो भीग जाएंगे बेचारे तो बेटा उसके ऊपर एक कोटिंग होती है एक उसने रेनकोट जैसा कुछ पहना होता है वो क्या होते हैं म्यूसिलेजिनस सीथ म्यूसिलेजिनस सीथ होती है उनके ऊपर सीथ मतलब कवरिंग होती है किसके ऊपर पर, करना तो एक ही रहेगा पर हम दोनों सॉल्व कर ले कि ताकि आपको जो भी ध्यान रहे वो आप कर सको नेक्स्ट लिखा हुआ सेल तो इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम होता है लेडिक सेल्स लेडिक सेल्स क्यों क्योंकि से, क्योंकि क्यों लेडिंग नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था लेडिक सेल्स इसका फंक्शन क्या होता है ये सिक्रीट करती है टेस्टोस्टेरोन ट एंड्रोजन कह लो सिक्रीट एंड्रोजन ये क्या सिक्रेट करती हैं एंड्रोजन सिक्रेट करती हैं और एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है जिसके अंदर एक हार्मोन आता है आपका टेस्टोस्टेरोन 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 क्या करता है हेल्प डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्शुअल कैरेक्टर्स क्सुअल कैरेक्टर जो मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर है जैसे दाढ़ी मोछ आना जो उनका मेल होना को प्रदर्शित करते हैं वो सारे कैरेक्टर्स कौन बताना, बनाता है आपका टेस्टोस्टोरॉन जो कि एक ग्रुप ऑफ हार्मोन का एक सदस्य है जैसे आपकी फैमिली में कई लोग होंगे आप उसके एक सदस्य हो सो so, आपकी फैमिली यू कैन रिमेम्बर इट एज यू नो एस्ट्रोज एंड्रोजन और उसमें से आप टेस्टोजेस्टोस्टोरॉन सो so, एक मेंबर उसका टेस्टोस्टोरॉन है और उसकी पूरी फैमिली क्या है एंड्रोजन है कौन सी करता है लेडिक्स ठीक है चलो नेक्स्ट है आपका write the different components of activated sludge. ये बेटा आपके ना वाले से है कैसे है है कैसे मैं आपको समझाती ठीक देखो एक्टिवेटेड स्लज ये होता क्या है सुनो जरा अगर आपको याद हो पूरा मैं एक बार आपको पूरा रिवाइज करा देती हूँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट पूरा रिवाइज करा देती हूँ देखो ये आपके uh, जो हम सीवेज ट्रीटमेंट वाला टॉपिक पढ़े थे ना उससे रिलेटेड है सीवेज ट्रीटमेंट से सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड है ठीक है यूज ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट एक पूरा लेक्चर बनाया है अगर आपको ये पॉइंट समझ में ना आए तो वह लेक्चर जाके देख लेना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मैंने सिर्फ तीन लेक्चर में खत्म कर दिया है दूसरे लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये पढ़ा रखा है सीवेज ट्रीटमेंट आप उसको जाके जरूर देख लेना सीवेज ट्रीटमेंट दो स्टेप में किया जाता है एक आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी ठीक है प्राइमरी में कुछ नीचे की तरफ बैठ जाता है उसे कहते हैं प्राइमरी स्लज स्लज और कुछ ऊपर में तैरता रहता है उसे कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट इफ्लुएंट इस प्राइमरी इंफ्लुएंट इफ्लुएंट को हम ले जाते हैं नेक्स्ट एरोबिक टैंक में एरोबिक टैंक में जहां पे बैक्टीरिया उसे डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया और फ्लॉक्स वहां पाए जाते हैं फ्लॉक्स अगर आपको याद हो एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया विदामेंट्स ऑफ फंजाइज नोन एस क्लॉक्स मैंने बता रखा है इस चैप्टर में इसके भी नीचे कुछ क्या होगा नीचे की तरफ कुछ बैठ जाएंगे वो बैठी हुई चीजों को हम कहेंगे सेकेंडरी स्लज सेकेंडरी स्लज और ऊपर की तरफ क्या होगा यहाँ पे सेकेंडरी इंफ्लुएंट होगा सेकेंडरी इन्फ्लुएंट को ही हम रिवर्स वगैरह में छोड़ देते हैं और मान लेते हैं कि यह शुद्ध है लेकिन ये जो सेकेंडरी स्लज है ना बेटा इसको डाइजेस्ट किया जाता है और इसका कुछ पार्ट वापस से हम सेकेंडरी टैंक में न्यू न्यू आपके एरोबिक टैंक में भेज देते हैं टैंक में भेज देते हैं ताकि वापस से कुछ नया अगर प्राइमरी फ्लेंट आत, आया है तो उसको वापस से वो क्या कर सके डाइजेस्ट कर सके अच्छे से उसको क्या कर सके साफ कर सके तो इसी स्ल्ज को इसी सेकेंडरी स्लज को सेकेंडरी स्लज को जो आपके न्यू एरोबिक टैंक में भेजा गया है उसी को हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज एक्टिवेटेड स्लज तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा दे रही हूं एक्टिवेटेड स्लज इज नथिंग बट द सेकेंडरी स्लज व्हिच इज ट्रांसफरड इनटू द मेन एरोबिक टैंक इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट द फर्दर प्राइमरी इन्फ्लुएंट ओके उसी को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं क्यों भेजा है एज अ इनोकुलम जैसे दही में जोरन वगैरह डालते हो तो पूरी दही जम जाती है इसी तरह इनोकुलम की तरह इन्हें भेजा जाता है ताकि आपका जो नया टैंक है उसके अंदर भी क्या हो ये एर, मतलब जो बैक्टीरिया है वो चले जाए और क्या कर दें आपको डाइजेस्ट करके दे दें दे आपके बैक्टीरिया को ठीक है तो इस तरह से चीजें होती हैं एक्टिवेटेड स्लज में तो ये सारी बातें हैं आपकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट से रिलेटेड आई होप आपको समझ में आई होंगी आप देख सकते हो यहाँ पे

ऑब्जर्व फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अगेन ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ पर फिर भी बता दे रही हूँ लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शॉर्ट में एच कहते हैं और ये स्टार्ट हुआ था तो लिखोगे स्टार्ट हुआ था उन्नीस में और खत्म हुआ था दो में कितने साल का था तेरह साल का था तेरह ईयर्स लॉन्ग प्रोजेक्ट था ये पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे इसमें क्या करना था आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई जीन्स ऑफ ह्यूमन ह्यूमन के सभी जीन जितने भी जीन आपके बॉडी में प्रेजेंट है उन सभी जीन को आइडेंटिफाई करना ही क्या कहलाता है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट का यही गोल था दो पॉइंट आपने लिख लिए तीसरा पॉइंट लिखो कि इसमें जो वेक्टर्स यूज किए जाते हैं वेक्टर वेक्टर्स यूज आर बैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये दो तरह के वेक्टर इसमें यूज किए जाते हैं ठीक है थीके? तीन पॉइंट हो गया आपका नेक्स्ट कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स में भी हमने क्या कर रखा है ये चीज करवा रखी है अदर ऑर्गेनिजम्स अदर ऑर्गेनिजम्स हुज डीएनए इज सीक्वेंस्ड मतलब जिसका सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया है हमने सीक्वेंस्ड आर इकोलाई इकोलाई का कर लिया है और किसका कर लिया बताती हूँ इकोलाई e. का हमने कर लिया है और हमने कर लिया है आपके ड्रोसोफिला का ड्रोसोफिला का और हमने कर लिया है कुछ प्लांट्स का जैसे राइस प्लांट का ठीक है ऐसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स का हमने क्या कर लिया डीएनए सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया है जैसे हमने अपना किया है वैसे कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स का भी कर लिया है तो ये सब आपके एच के अंतर्गत आता है ठीक है नाउ मूविंग हेड यहाँ पे आपको अदर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन

इन दोनों में क्या फर्क है बायोलिस्टिक का दूसरा नाम होता है जीन गन क्या नाम होता है जीन गन इट इज यूज फॉर यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू प्लांट सेल प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है बेटा तो उसमें आसानी से इंजेक्शन लगाना पॉसिबल नहीं है तो उसमें हम क्या करते हैं शूट करते हैं जीन गन के थ्रू शूट करते हैं क्या शूट करते हैं मैं आपको लिखवा देती हूं बॉम्बार्ड 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 मतलब शूट करना कह सकते हो वी बॉम्बार्ड गोल्ड और गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विथ रिकॉम्बिनेंट 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 डीएनए 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 आर लिख दे डीएनए ताकि वो कहाँ चल जाए प्लांट के सेल के अंदर चला जाए प्लांट के सेल के अंदर हम कोई बाहर से डीएनए डालना चाहेंगे तो हमें जीन गन से शूट करना पड़ेगा जीन गन में जो बुलेट्स की तरह होती है चीजें वो होती है गोल्ड और की और उसके ऊपर क्या लिपटा हुआ था रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो गन के साथ साथ जो बुलेट जा रही है उसके साथ साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपके प्लांट में चला जाता है और हमारी बायोटेक्नोलॉजी सफल हो जाती है लेकिन अगर एनिमल बीइंग्स है तो उसमें गन अगर शूट करेंगे तो उनकी सेल फट जाएगी बेचारों की क्योंकि उनके पास सेल वॉल तो है नहीं कोई रिजिड मटेरियल है नहीं तो उनमें क्या किया जाता है इंजेक्शन लगाया जाता है ठीक है इंजेक्शन लगाया जाता है आराम से इंजेक्शन लगाया जाता है इट इज यूज फॉर इट इज यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू एनिमल सेल्स एनिमल सेल्स के अंदर अगर आपको डालना है तो माइक्रो इंजेक्शन से डालेंगे ठीके? क्या डालना है, डालना है तो. लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं जीन गन या बायोलिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं उसमें टंगस्टन या गोल्ड से प्लेटेड बुलेट्स को शूट किया जाता है सेल के अंदर ताकि रिकॉमिन उस बुलेट्स के थ्रू जा सके ठीक है या आप हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ओके आप आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया इस वाले का अब आते हैं ट्वेंटी फिफ्थ का बी ऑप्शन बी क्वेश्चन बी क्वेश्चन दे रखा है इंडियन क्रॉप वेराइटी फॉर विच नाइनटीन नाइनटी से अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट ये कुछ नहीं था ये कौन सी क्रॉप वेराइटी थी ये थी बासमती राइस हुआ क्या ना बेटा बासमती राइस बासमती राइस इंडिया का क्या था इंडिया का राइस था है इंडिया इंडिया का ही इंडिया में इसके है। लेकिन यूएस ने क्या कर लिया उस पर पे अपना पेटेंट ले लिया यानी कॉपीराइट ले लिया कि उन्होंने कहा कि ये हमारा है उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया क्या चेंजेस किया उन्होंने थोड़ा बहुत क्रॉस कराया इसको डॉआ वैरायटी से क्रॉस्ड विथ डॉराइटी यहाँ पे लिखा है ना वाई डिड द कंपनी क्लेम इट टू बी इन्वेंशन उन्होंने ये कह दिया कि हमने इसका नया इन्वेंशन किया और ये हमारा है उन्होंने किया कुछ नहीं था इस बासमती को कोस विथ ड्रेरा के साथ सेमी सेमीडवाफ कह सकते हो सेमी ड्राफ वेराइटी के साथ क्रॉस करके वो लगे थे अपने देश में बेचने उसे और कहने लगे थे हमने इसका इन्वेंशन किया है जो कि बात सही नहीं है उनको बासमती के ओनर से परमिशन लेना चाहिए कि क्या हम आपका राइस क्रॉस करके कोई नई वेराइटी बना सकते हैं पर उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने ये परमिशन नहीं ली और उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि ये हमारा राइस है ताकि वो उसको ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके और उससे ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर सके तो आप यही लिखोगे कि वो क्रॉप क्या थी वो क्रॉप थी बासमती राइस कहां की थी इंडिया की थी ठीक है 1997 में अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट थ्रू यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस सो व्हाई डिड द कंपनी के क्लेम इट टू बी इन्वेंशन एंड नोवेल्टी और नोवेल्टी तो आप कह सकते हो बिकॉज दे क्रॉस्ड द बासमती राइस विद राइस ठीक है इसीलिए उन्होंने क्लेम कर दिया था कि ये हमारा है पर जो कि सही नहीं था वापस से हमने आ, मतलब अपना क्लेम पा लिया है पहले ये बड़ी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन चली थी लोगों के बीच में कि बासमती राइस यूज के कैसे हो सकता है ये तो हमारा है तो अल्टीमेटली हम लोग वो केस जीत गए थे और अब जाके बासमती राइस इंडिया का राइस माना जाता है कोई भी इसे उगाएगा तो उसे हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी कोई दूसरा देश अगर इसे उगाता है तो ठीक है आप कहोगे मैम इसकी क्या जरूरत है बेटा मान लो अगर आपने कोई गाना गाया आपने कोई गाना गाया आपने सौ रुपए कमाए उस गाने को गा के और आपका ही गाना कोई कॉपी करके अपने बड़े चैनल पे डाल दे और वो लाख रुपए कमाने लगे तो आपको बड़ी तकलीफ होगी ना ये तो मेरा था मैं नहीं कमा पाया ये कमा रहे हैं भाई साहब है ना तकलीफ होगी ना आपको कोई साइंटिस्ट ने किसी चीज की खोज की ठीक है और उसको कोई दूसरा कहने लगे कि मैंने खोज की है तो उसको तकलीफ होगी तो इसीलिए हम कॉपीराइट या पेटेंट देते हैं मतलब कि जैसे YouTube पे ही मैं वीडियो बना रही हूँ मेरा वीडियो कोई कॉपी करके कोई दूसरा यूज करे मुझे कोई कमाई नहीं होती है लेकिन उसको बहुत कमाई हो तो मुझे तकलीफ होगी यार मुझे ख्याल उतनी तकलीफ नहीं होगी कि करते रहे लेकिन फिर भी हो सकती है कि अगर मेरे घर में एक भी पैसे की इनकम ना हो और मेरी ही चीजें दूसरे लोग यूज करके उससे इनकम कमा रहे हैं तो मुझे कम से कम थोड़ा बहुत तो दुख होगा ना कि मतलब मुझे कुछ नहीं मिला और मेरी ही आवाज कॉपी करके वो लोग ऐसा कर रहे हैं ठीक है तो इसी चीज से बचने के लिए कॉपी का हक दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा कि अगर आप कुछ बनाते हो तो आप उस पर पे अपना पेटेंट ले सकते हो अपना कॉपी ले सकते हो कॉपीराइट को ही साधारण भाषा में पेटेंट कहते हैं बायोलॉजी के वर्ड में या ऑफिशियल लैंग्वेज में पेटेंट कहते हैं तो पेटेंट आप ले सकते हो अगर कोई आपकी बनाई चीज को कोई इस्तेमाल करता है तो उसको या तो आपको पैसे देने पड़ेंगे या तो आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी उसको तभी वो कर सकता अदरवाइज नहीं कर सकता ठीक है लेकिन यूएस वालों ने अमेरिकन जो कंपनी थी उन्होंने अपना परमिशन लिया नहीं अपना बेच खा रहे थे और उल्टा उन्होंने हमारे पे लगा दिया पेटेंट कि आप अगर बासमती राइस उगाना चाहते हो तो आपको ये देना पड़ेगा तो अल्टीमेटली मतलब इसके लिए काफी केस लड़ा गया था और लास्ट में हम जीत गए थे तो इतनी सारी बातें हैं आपकी आ, ये सेक्शन बी से रिलेटेड मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी आपको मैं जानती हूँ वीडियो लंबा है हम बहुत कम क्वेश्चन सोल्व करें बहुत ज्यादा टाइम में पर बेटा सीख बहुत रहे हैं और सीखना अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है ठीक है सो विश यू ऑल द बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी चीजें आपको सोल्व कराने की कोशिश करूंगी और हम एक ही दो पेपर सॉल्व कर पाएंगे लेकिन बहुत सॉलिड करेंगे और उससे बहुत सारी चीजें सीखेंगे उसके लगभग का जो क्वेश्चन आ सकता है उसे भी सीख लेंगे हम ठीक है सो विश यू ऑल द बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस की बात करेंगे ओके okay? चलो ठीक है